नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत किया ओवैसी ब्रदर्स से। ओवैसी ब्रदर्स लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे ओवैसी ब्रदर्स के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अभी ये बयान दिया था कि वो ज्ञान व्यापी जो मस्जिद में सर्वे हो रहा है वो एक तरह से एक तरफा सर्वे हो रहा है, एक तरफा फैसला सुनाया गया, तो वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी जो ओवैसी के भाई हैं वो लगातार जिस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे माहौल और खराब होता नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि ओवैसी ब्रदर्स को जेल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोलना ओवैसी ब्रदर्स को भारी पड़ सकता है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर जिस तरह से टीम पहुंची उससे पहले देखने को मिला कि जो फैसला ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आया, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस फैसले को नहीं मानते और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा, आज मुसलमानों से बदला लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हमने 92 में बाबरी तो खोदी, लेकिन 2022 में हम ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वो नहीं खोएंगे। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर असदुद्दीन ओवैसी का तो बयान देखने को मिल रहा है जो चर्चा में है, इसके साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से और ज्यादा राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल मौजूदा समय के हालात ये बता रहे हैं कि अगर ओवैसी ब्रदर्स इसी तरह के भड़काऊ बयान देते रहे तो उन्हें जल्दी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ समय पहले भड़काऊ बयान दिया था और जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया था उसकी वजह से उन्हें काफी वक्त जेल में रहना भी पड़ा था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती है, असदुद्दीन ओवैसी को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। तो फिलहाल जिस तरह से कदम उठाया जा रहा है, लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनसे बताया जा रहा है कि वो लोग बताएं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांति बनाए रखनी है, लेकिन जिस तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रामकता देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ओवैसी ब्रदर्स के भड़काऊ बयान का असर देखा जा रहा है और ओवैसी ब्रदर्स को जेल की सजा हो सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।